अब समय आ गया है आपके विषय में आज की कुछ शेयरिंग लेंगे हम लोग, और मैं पैनल में आ रहा हूं, तो पैनल में देखते हैं काफी सारे सीनियर लीडर को मैं देख रहा हूं। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे बीच में सिल्वर लाइन, डबल सिल्वर लाइन है ना, तो डबल सिल्वर लाइन का आप सोचिए। आज फरीदाबाद से डबल सिल्वर लाइन, सिल्वर लाइन शेखर बोरा जी जो अपकमिंग गोल्ड लाइन, और ऐसे ही अनदर सिल्वर लाइन विकास पिलानिया जी जो कि वो भी अनदर अपकमिंग गोल्ड लाइन है, और हो सकता है ये साथ साथ ही ब्रेकिंग न्यूज देने वाले हैं आपको। तो पहले हम शेखर जी को लेते हैं और फिर हम विकास पिलानिया जी से मिलेंगे कि शेखर जी आपने टूर क्वालिफाई किया हमेशा की तरह, इस बार फिर आप हमारे साथ में इंडोनेशिया और आप सभी ओवर टू यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जोश वेरी हाई है और अभी एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत जल्दी अभी जो टूर है अभी हम जा रहे हैं इंडोनेशिया, और उस इंडोनेशिया की दो चीजें खास हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि आज मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, हमने पहला टूर हमने हेडक्वार्टर का लिया था, और जो सेकेंड टूर था वो हमने इंडोनेशिया का लिया था, जहाँ पे उस टाइम पे काफी सारे लोग हम इंडोनेशिया में थे, और 2017 की जो एनिवर्सरी थी वो हमने मनाई थी। और सेकेंडली अगर मैं बात करूं इस टूर की, तो इसमें ऑलमोस्ट हमें जो बताया गया है कि हम 15,000 लोगों का ग्रुप हम वहां डेवलप करेंगे, वहां पे इकट्ठा होंगे और उस सेलिब्रेशन को हम साथ मिलके मनाएंगे। ये तो पहली खुशखबरी थी कितने सारे लीडर्स के बीच में हम होंगे। दूसरी खुशी इस बात की है सर कि हमें ये मौका मिला है, हमें ये चांस मिला है कि एज अ सिल्वर लॉयन हम जो है मिस्टर ली से मिलेंगे, वो भी गाला डिनर में। तो हमें स्पेसिफिकली वो बोला गया है कि ये जो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली है ये सिल्वर एंड अबव रैंक लीडर्स को मिली है। तो आई फील रियली ब्लेस्ड कि आई एम द सिल्वर लॉयन और गोना बी अ गोल्ड लॉयन सून, बट हमें वो मौका मिला कि हम ली सर से मिलेंगे उस गाला डिनर में। तो ये इस टूर की सेकेंड खास बात है। और सबसे बड़ी चीज तीसरी कि सर जिनकी आप हमेशा पिक्चर दिखाते थे, आप जिनको दिखा के हमें एक्साइटेड होता था कि हाँ हमें ऐसा ही बनना है, हमें ऐसा ही घर लेना है, हमें ऐसी ही गाड़ी लेनी है, तो वो और कोई नहीं मिस्टर लुईस टंडन। तो अब हमें मौका मिल रहा है कि हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात हो सकता है वहां पे जाके मौका मिले उनसे मिलने का, फोटोग्राफी का। तो कहते हैं ना जो चीजें हैं वो हम लाइव हम वहां पे देखेंगे। तो चीजें हैं कि बहुत एक्साइटमेंट है सारे लीडर्स में, सारे लोगों में, और बहुत जल्दी अभी हम जबरदस्त कर रहे हैं। अभी इस टाइम इस महीने भी बहुत जबरदस्त बिजनेस हो रहा है, और अगले महीने इससे भी मेरे को लग रहा है कि बहुत और डेवलप होगा, क्योंकि अभी ना लोग गोवा टूर को लेके बहुत एक्साइटेड हैं, लोग दुबई टूर को लेके एक्साइटेड हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों की एक्साइटमेंट गोवा एंड दुबई में इतनी है, लोग ये भूल गए कि नाइट भी क्या होते हैं, कहते हैं जो आता है आने दो। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक ही फोकस है, गोल्ड कार्ड प्लैटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड प्लैटिनम कार्ड, बाकी तो ब्रोंज और सिल्वर आ ही रहे हैं, बट मैक्सिमम लोगों का टारगेट है गोल्ड प्लैटिनम, गोल्ड प्लैटिनम। कहते हैं प्रोडक्ट क्या है, गोल्ड प्लैटिनम। कहते हैं प्लान क्या है, गोल्ड प्लैटिनम। तो चीजें हैं कि लोग गोल्ड प्लैटिनम पे लगे हुए हैं, और बहुत अच्छे लोग काम करें टूर को लेके, गोवा को लेके, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा नेशनल टूर जो कंपनी ने निकाला, मात्र 6 गोल्ड करने से आप गोवा क्वालिफाई करते हैं। अगर आपने दो लोगों को, एक शख्स को अगर आपने एक टीम में गोवा कराया, दूसरे को दूसरी टीम में कराया, तो ऑलमोस्ट आपका 8,000 पीवी हो जाता है। बच्चे कितने, सिर्फ 4,500 पीवी। अगर आप उसको अकॉर्डिंग टू चार्ट अगर आप बनाएंगे, डेवलप करेंगे, जैसे हमने थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे लोगों का मैं बना रहा हूँ आजकल, लोग बोलते हैं अगर ये दिख रहा होगा पेज में, तो मुझे लग रहा है क्लियर नहीं आ रहा, बट हाँ फोकस नहीं है, बट हम लोगों को बता रहे हैं कि आपने इतना और इतना जनरेट करना है। लोग सिर्फ अपने फोकस की तरफ, क्योंकि जब तक टारगेट सामने नहीं होगा आप हिट नहीं कर पाएंगे। जब आपको ये पता होगा कि कितने करने हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भागोगे। आपको पता चला आपके टारगेट में सिर्फ 2 गोल्ड रह रहे तो आप आराम से करोगे, लेकिन अगर आपको पता चला पूरे महीने में 10 गोल्ड चाहिए तो आप आराम नहीं करोगे, आप भागोगे, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी जिंदगी बदल सकती है। जैसे हमारी पहले टूर के बाद लाइफ चेंज हुई, तो हो सकता है ये पहला टूर बहुत टफ होगा। जैसे सर ने बताया ना, स्टार्टिंग में टफनेस होती है, पैसे इतने नहीं आते,
लेकिन जब आप करते रहते हैं लगातार, और मैं बता रहा हूं जब आप करेंगे एक अचीवमेंट फिर दूसरी अचीवमेंट, चाहे छोटी छोटी अचीवमेंट्स आप लेंगे, अगर जिनको लगता है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि नहीं दुबई बहुत दूर है, मैं कहता हूँ गोवा तो पास है, गोवा के लिए हिट करो, क्योंकि गोवा लोगों ने एक एक दिन में, पांच पांच दिन में, दस दस दिन में किया है, और फॉर्चुनेटली हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 5 हफ्ते हैं, कि आप 5 हफ्ते में भी जोर लगाओगे गोवा डेफिनेटली होगा, और जिनको दुबई जाना है आप गोवा वाले लोगों की हेल्प करें शिद्दत से, मैं बता रहा हूँ शिद्दत से, अगर हेल्प कर दी तो दुबई पहुंच जाओगे, दुबई की टिकट आ जाएगी, और हो सकता है दुबई में भी कुछ हमारे पास कुछ एक्साइटमेंट सरप्राइज मिल जाए, पता नहीं चलेगा कब क्या सरप्राइज दे देते हैं ली सर। तो रियल में सर बहुत एक्साइटेड है इंडोनेशिया को लेके, अभी अगले महीने हम जा रहे हैं, और रियल में ये मैं थैंक यू करूंगा गॉड का और साथ ही साथ पेरेंट्स का, आपका, कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, कि जहां पे सिर्फ एक टूर के बारे में सोचा था आज वहां पे हम फ्लाइट्स में मतलब सोचना नहीं पड़ता, आज मैं देखता हूँ साल में 40 फ्लाइटें हम बिना उसके बिना सोच के लेते हैं, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल जाने का, सिर्फ एक टूर सोचा था आज लगभग 16 कंट्री होने वाला है। तो ये चीजें हैं, ये पावर है जो कि इस इंडस्ट्री ने हमें प्रोवाइड की, और ना ही सिर्फ टूर, इस इंडस्ट्री ने एक अच्छी हेल्थ दी, एक अच्छी वेल्थ दी, क्यों? बिकॉज ऑफ वन डिसीजन, हम एक डिसीजन लिया और हमने उस डिसीजन पे बिलीव और ट्रस्ट रखा, जिसकी वजह से आज ये सारी चीजें मुमकिन हुई। तो रियल में थैंक यू करूंगा सर आपका, हमारे आईडीनेट सिस्टम का, क्योंकि मैं हमेशा हर प्रोग्राम में मैं एक ही चीज बता रहा हूँ लोगों को, कि अगर आपको शेखर बोरा बनना है तो 365 दिन इस पैनल में आना पड़ेगा, अगर आप आ रहे हैं आप बन जाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक लीडर का एक ही राज रहा है कि वो इस पैनल में लगातार निरंतर बना रहा है। तो आप चाहते हैं, अगर आप वनीता राज जी बनना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं योगराज शर्मा, बन सकते हैं, लेकिन आना पड़ेगा, और आप चाहते हैं कि आपकी टीम में भी वही डुप्लीकेशन हो तो उनको लाना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जबरदस्त आप बूम करेंगे। और रियल में मैं थैंक यू करूंगा ऑल द को लीडर्स, जिसमें मैं देख पाता हूँ हमारे स्टार गोल्ड लॉयन वासुदेव भगौर जी, साथ ही साथ योगराज शर्मा जी, पूर्वा बोगारा जी, सोनल पटेल जी, एंड इसके अलावा डॉक्टर अमरीश पांचाल जी, और साथ ही साथ हमारी सिल्वर लॉयन अनिता राज जी, विकास पिलानिया जी, जबरदस्त। तो रियल में सर बहुत एक्साइटेड है हम सब लोग, हम तैयार है इंडोनेशिया के लिए फ्लाइट लेने के लिए। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ मैं इसको क्लोज करूंगा, बेटर टीएंस बेटर लाइफ, आई लव टीएंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन, चलो गोवा चलो दुबई, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार शेखर जी, आपने अपनी उपलब्धियां बताई, साथ में आपने क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उस पे भी आपने कुछ बातें रखी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गोल्ड लाइन के लिए और आपकी टीम के लिए भी ऐसी ही। अगले जो स्पीकर हैं वो है विकास पिलानिया जी, जो ब्रांड न्यू सिल्वर लॉयन है फरीदाबाद से। जी विकास जी, वेलकम, स्वागत है आपका, हाउ इज द जोश, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। सर जोश बहुत हाई है, और सर बहुत अच्छा हुआ सर, जब शेखर की बात सुनते हैं ना सर, तो चार्ज ना बैटरी 100 से भी ना ऊपर चार्ज हो जाती है सर, बहुत ना मोटिवेशन मिलती है सर शेखर को सुन के ना, मतलब ऑटोमेटिकली ऐसे लगता है कि ना पता नहीं कि कौन सी ना एक सुपर पावर आ गई है सर, बहुत ही ना मजेदार है सर, और रातों को ना नींद आनी बंद हो गई है सर, कि जब भी अभी बात की सर शेखर जी ने बोला कि दुबई में भी ना कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, सर वाकई ना कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, प्लानिंग तो ना सर हमारी दुबई की थी, सोचा तो हमने दुबई का था, इंडोनेशिया तो ना बस हमें एक देखा जाए तो सर इंडोनेशिया टूर एक सरप्राइज गिफ्ट ही है। क्योंकि सरप्राइजली आया टूर के बीच में, डबल टूर, ट्रिपल, गोवा भी साथ, दुबई भी साथ, इंडोनेशिया भी साथ, तो सर सरप्राइज तो ना होते रहते हैं, और उस पल का ना बिल्कुल दिल से थैंक्स, जिस टाइम ना सोचा था कि टियांस में ज्वाइन करने का, तो उसकी आज वैल्यू समझ में आ रही है, और बिल्कुल मतलब कन्वेंशन इंडोनेशिया वहां पे सर। सर आपको रोक रहा हूं मैं, इस पैनल में अभी काफी सारे लीडर्स आए हुए हैं, तो मैं इनको मैसेज देना चाहूंगा कि कोई भी टूर हो, जैसे इंडोनेशिया तो हम जा ही रहे हैं, इंडोनेशिया का टूर का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो आपने पढ़ी होगी, और लोगों ने क्वालिफाई की, ठीक है, इवन कुछ लोगों ने इंडोनेशिया का टूर में भी मिस कर दी, गलती हो गई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका मिस टूर मिस हो गया,
कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कंपनी ने नीचे, आपने पढ़ा होगा ना नीचे, ये टर्म्स और कंडीशन है, याद रखना। अगर आपने टर्म्स कंडीशन नहीं पढ़ी और फिर लास्ट में आप बोलोगे सर हमने देखा नहीं था, हमने पढ़ा नहीं था, मेरे सीनियर ने कहा नहीं कहा, कंपनी ने नहीं कहा, ये नहीं था वो नहीं था, भाई साहब नहीं चलेगा। आपको बता दिया आज मैंने, ये मेरे को याद था, मैं सुबह से सोचा था, चार बार सोचा मैंने आज ये वाली बात बतानी है और अभी याद आ गई। जैसे विकास जी बात बताने लगे ना कि देखो दुबई का तो था ही, हमारे को पता चला अचानक ही हमारे को इंडोनेशिया मिल गया और फिर गोवा भी मिल गया। मिल तो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है सभी लीडर को, जो तो मलेशिया घूम के आ गए और जो अभी इंडोनेशिया हमारे साथ जा रहे हैं, तो क्लियर है पिक्चर। लेकिन जो अभी गोवा का टूर चल रहा है या हमारा दुबई का टूर चल रहा है, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप बिल्कुल पढ़ लेना, समझ लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनवरी को 28 दिसंबर के बाद में 29 दिसंबर को या आगे आप फोन करके ये मत बोलना कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हमको तो किसी ने बताया ही नहीं। सर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये बिजनेस आपका है, कोई नहीं बताएगा, आपको बताना है उल्टा दुनिया को, राइट। तो ये विकास जी आपको बीच में रोकते हुए मैंने मैसेज देना था और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। और आप सभी लीडर की जिम्मेवारी है, खुद भी और अपनी टीम को भी, एक एक पॉइंट पढ़िए। पॉइंट नंबर 1 का मतलब ये है, 2 का मतलब ये है, 3 का मतलब है, सारे पॉइंट क्लियर, टेंशन फ्री। जी सर आप आगे करें, जारी रखें प्रोग्राम। बिल्कुल सर, मैं बता रहा था कि सर मतलब इंडोनेशिया में जाएंगे सर, वहां पे कन्वेंशन, चेयरमैन सर से मिलने का मौका, लुईस टंडन से मिलने का मौका, अमेजिंग फीलिंग है सर। इस फीलिंग का ना कंपेयर नहीं है कि बिल्कुल ऐसी एक्साइटमेंट है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते। और सर जैसा कि कहा कि उस डिसीजन का ना मतलब थैंक्स आता है कि हाँ कि टियांस में जुड़ना है। और सोचा अगर सर हमारे भी दिल में ये वाली बात होती, अगर वो रोग हमारे भी दिल में अगर कभी पनपा होता कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर हमने भी अगर ये सोच के इस काम को किया होता तो सर शायद आज यहाँ नहीं होते। और सर कुछ मैं अपने आप को ना लकी यहाँ भी मानता हूँ कि टियांस जब मैंने की ना तो वो बिल्कुल ऐसे मतलब एक फ्रेश कंपनी थी मेरे लिए, तो मेरा जो पीछे से जो डाटा था, हार्ड डिस्क थी, वो बिल्कुल क्लियर थी। और उसमें मैं सबसे और सेकंड सर सबसे जो लकीस्ट ये रहा कि आईडीनेट सिस्टम मिला मुझे। तो आईडीनेट सिस्टम से सीखा कि सर जब काम किया ना तो दिमाग के अंदर ना डर नहीं था। अगर हम कभी भी किसी काम को करते हैं ना, हम ठीक है लोगों के साथ हमने देखा है बहुत सा कि वो ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन ज्वाइन होने के साथ साथ ना उनके अंदर ना कई बार डर भी देखा है कि हमने कर तो लिया, वो बहुत जल्दी ना हार मान जाते हैं। तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो न्यू ज्वाइनिंग है, जब भी हम एज ए अपलाइन है जैसे लोगों को नीचे गाइड करते हैं, तो हमें ना अपने आप के अंदर ना भरोसा रखना चाहिए। हमें ना सबसे पहले अपनी जो हमारी क्षमता है, हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमें वो आंक लेनी चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए बाहर से देख के कि हम इसके कहीं ज्यादा के हकदार हैं और ये चीजें जो हैं हम इससे कहीं हमारे ऊपर उठना है और हम बहुत ज्यादा कैपेबल हैं इनसे। और सर टियांस ज्वाइन की थी और ये सोच के सर कि लिव द लाइफ ऑफ माई ड्रीम, और कर भी रहे हैं सर कि जो ड्रीम पूरा था। सोचो सर कहने को ना बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, लेकिन ड्रीम पूरा ना कितने लोग हैं जो अपने ड्रीम को पूरा कर पाते हैं, सोचते रह जाते हैं, जिंदगी बीतती चली जाती है, लेकिन टियांस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ड्रीम्स ना बहुत जल्दी ही कम समय में ना पूरे होने लगते हैं। और ये है सर बिल्कुल, एक बात आपने से बोली थी और जो मैं बात को थोड़ा सा रिपीट भी करना चाहूंगा कि आप किसी की भी ज्वाइनिंग करा रहे हो, आज आपके पास ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंट्री आ रही है, हर रोज आपकी एंट्रीज आ रही हैं। अगर आप उनको सिस्टम में प्लग नहीं कर रहे हो तो ये आपको करना पड़ेगा, ये काम है आपके लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत सारे लीडर को ये लगता है क्यों अभी क्या इनको पता। दोस्त मैंने कहा ना जो फीलिंग है ना, खेल जिंदगी में फीलिंग से है, नॉलेज से नहीं है। और आदमी जो बड़ा रिस्क लेता है, बड़ा डिसीजन लेता है ना जीवन में, वो नॉलेज से नहीं लेता है, वो फीलिंग से लेता है। और उसमें सबसे बड़ा एक है डिसीजन, जब आदमी शादी करता है ना तो नॉलेज चली जाती है भाड़ में, सिर्फ फीलिंग ही आती है समझ भाई साहब, सब मामला ठीक रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा वो अलग रिस्क है, लेकिन लेना तो पड़ता है जीवन में। तो ये जब इतने बड़े रिस्क ले सकते हो तो जीवन में जो ड्रीम की बात की सर आपने, तो वो है ही है। और लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपनी टीम को जैसे ज्वाइन कराया, उनका पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए मैं आपके साथ तब काम करूंगा अगर आप हर रोज पैनल में आते हो और पूरा एक महीना दो महीना आपको आना है। और महीने दो महीने में
जब वो आएगा, क्योंकि आपने आपको कोई आदत बदलनी हो, कितने दिन बोलते हैं विकास जी, देखो नॉर्मली कोई आदत ना इतनी जल्दी बदलता नहीं, आदमी बदल नहीं पाता, आदमी एक दिन दो दिन चार दिन जोश में आता है ना, सिर्फ वजन घटाना हो ना, बंदा दो चार दिन तो भागता है भाई साहब वजन कम करना है, पांच सात दिन बाद पता क्या होता है, फिर वापस पहुंच जाता जहां से शुरू हुआ था। तो एकदम नहीं बदल सकते हैं, तो कहते हैं कि हैबिट के लिए कम से कम 20-21 दिन तो मिनिमम माने गए हैं। 3 हफ्ते तक उस काम को, जिस काम को पसंद नहीं करते हो, अगर आप करना शुरू कर दो तो 3 हफ्ते बाद में वही काम पसंद आना शुरू हो जाएगा। आप क्या कहते हैं विकास जी? बिल्कुल, सिल्वर लाइन, ही इज अ सिल्वर लाइन, ही हैज अ वेरी गुड मैच्योरिटी, जैसे अपने मुकेश शर्मा जी हैं, जैसे एज ए प्रोफेसर उन्होंने एक बहुत बड़े कॉलेज को अपना योगदान दिया कईयों साल, ऐसे ही विकास पिलानिया जी ने दिया, एंड बीइंग अ वेरी स्कॉलर पर्सन, आप इतने स्कॉलर इंटेलिजेंट और इतने साल आपने जॉब की, उसके बाद आपने महसूस किया कि फ्रीडम तो इधर मिलने वाली है तियांस में, और आज आप सिल्वर लॉयन हैं। मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट 6 मंथ, नोट कर लीजिए लीडर्स डायरी में, अगले 6 महीने के अंदर ही इज गोइंग टू बी गोल्ड लॉयन, एंड मे बी उससे भी कम टाइम के अंदर, गेट रेडी। यस सर, आप क्या कहना चाहते हैं? ये आदत, आदत नहीं, किसलिए? इसलिए कंडीशन डालो अपने नए लीडर में, नए गेस्ट को, क्योंकि आपको नए लोगों को बोलना आसान है दोस्तों, जो आपके पुराने लीडर है ना वो पुराने हो गए हैं ना, उन्होंने आपकी सुनी ना आपने उनकी सुनी, वहां हिसाब था बराबर हुआ पड़ा है, राइट? लेकिन जो नए दोस्त हैं, नए लीडर हैं, वो डेफिनेटली आपको सुनेंगे, फॉलो करेंगे, और आपके जीवन में नए लोगों से बदलाव आने वाला है। पुराना तो इतिहास हो चुका है भाई साहब, जो होना था हो लिया, इतिहास जो रचा जाएगा नए लोगों से, राइट? इसलिए नए लोगों की तरफ जाइए, डोंट क्राई है ना ऑन दोज पीपल हु आर नॉट लिसनिंग यू, राइट सर? ओवर टू यू। बिल्कुल सर, वो बात है ना सर कि जो रिस्क नहीं लेता ना उसकी लाइफ रिस्की हो जाती है। अगर हम सर आज की डेट में ट्यांस नहीं कर रहे हैं ना, तो ये हमारा ना, हम एक तरह से रिस्क नहीं ले रहे हैं और अपनी लाइफ को ना रिस्की ले रहे हैं। और सर रिस्क लेना ना सीखा शर्मा जी से सीखा। पहले सर हमने एक साथ ही ट्यांस ज्वाइन की थी, लेकिन जब तक हम अपने कंफर्टेबल जोन से ना बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक सर हमारा कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पे हम दोनों नावों में पैर रखने की कोशिश करके चलेंगे ना कि ठीक है हर हम स्टार्ट करते हैं तो ठीक है यार थोड़ा पहले पार्ट टाइम करके देख लेते हैं, वो फिर थोड़ा देखने में ना देखने ही हो जाता है। रिस्क तो ना हमें लेना पड़ता है। शर्मा जी ने ये डिसीजन जल्दी लिया तो सर जल्दी उनको कामयाबी मिली, ठीक है। अब ये रिस्क मैंने थोड़ा सा लेट लिया, लेकिन मुझे लेट समझ में आया, लेकिन जब समझ में आया तो ये था कि ये हमें लगता है कि ये रिस्क, लेकिन ये ना रिस्क नहीं है। ये जो हमारे ना हम किसी चीज को मतलब सोचते हैं ना कि ये नहीं होगा या फिर ये चीज होगी तो क्या होगा, इसके जो बीच का जो वक्त है ना, ये हमें हटाना पड़ेगा अपने दिमाग से ना, डर को करना पड़ेगा। और ऐसी कोई चीज ही नहीं है सर ना, हो अगर हमने आज पॉजिटिव सोच लिया ना, जैसे कि सर आपने अभी बताया कि आज के डेट में ना 95% लोगों के पास पैसा है। अभी पीछे से सर्वे भी हुआ था तो एक ये बात भी चली कि क्यों ना एक बार ना, अगर क्या होगा अगर सारी दुनिया के पास ना बराबर पैसा कर दिया जाए, तो फिर ये लगा कि बस एक साल से शायद कम ही समय लगेगा, जिन लोगों के पास 95% पैसा है ना, वो फिर एक साल के अंदर ना उस पैसे को खींच लेंगे, क्योंकि उनके जो जीने का जो मंत्र है, जो जिंदगी के जो उन्होंने अपने जो पिलर्स बनाए हुए हैं ना, वो अलग ही बनाए हुए हैं। तो हमें भी सर सक्सेस इस हिसाब से नहीं नापनी चाहिए कि ठीक है आज हम 6 हो गए 7 हो गए 8 हो गए ब्रॉन्ज हो गए सिल्वर हो गए। जैसे जैसे हमारा रैंक ना बढ़ता जा रहा है ना, हमारी टूवर्ड्स जो हमारी डाउनलाइन है उसकी तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जा रही है, हम उनके अंदर ना कितनी पॉजिटिव लेके आ सकते हैं। आज की अगर बात करें तो सर मुझे लगता है कि जैसे हमारा जो आईडीनेट सिस्टम है, हम इसके अंदर अपना कितना योगदान दे पा रहे हैं, ये हमारी सक्सेस है। अगर हम अपना जितना ज्यादा योगदान देंगे तो वो एज ए हमारी टर्म ऑफ सक्सेस में काउंट होगी, ना कि ये कि ठीक है ये तो सर लेवल्स हैं, ठीक है होंगे अगर हम काम करेंगे लगेंगे, ये तो सबके साथ होना है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हमें बस छोड़ना नहीं है ट्यांस का प्लेटफॉर्म, हमें टूर भी मिलने हैं, हमें सब कुछ मिलना है, पैसा भी आना है, ये सारी चीजें नॉर्मल आएंगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ऐसा कैसे है, लेकिन हमें सर 4-4.5 साल हो गए, तो पता है कि हमें बस लगना है, आईडीनेट को फॉलो करना है, बस सीनियर ने बताना है वैसा ही करना है, जो जैसा कहें वैसा ही नीचे पुशअप करना है, बीच में बस मौज लेनी है, और ऐसा ही हो रहा है। टूर्स अपने आप होते हैं सर,
अभी जैसे शेखर जी ने बोला कि बस गोवा करवाओ लोगों का, अपने टूर हो जाते हैं। हमें सर इधर बस ये प्लान करना पड़ता है कि लोगों के कैसे टूर होंगे, हमारे तो अपने आप हो जाते हैं। तो सर सक्सेस के पैरामीटर जो हैं सर बदल लिए हैं मैंने भी ना अपनी लाइफ के। मैं अपनी सक्सेस को आज के बाद सर इसमें नहीं देख रहा कि मतलब मुझे गोल्ड लाइन बनना है और अबव जाना है। ये तो ठीक है सर, हम लेवल से हमारे बनेंगे, लेकिन हम कितनी पॉजिटिव ला सकते हैं, जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर हमारा योगदान कितना है, ये इंपॉर्टेंट है सर। तो कुछ है सर, अगर हमें जब तक हम अपने आप को ना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालेंगे तो सर जब तक नहीं बनेगा चीजें। हमें ना हमारे लिए कंफर्ट जोन से निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हमें अपने हमारे अंदर कुछ चेंज लाना है, हमें ग्रो करनी है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है अपने अंदर को, तो सर भैया हमें हमेशा राइट चीज करनी चाहिए। हम लेकिन अक्सर होता है क्या है, हम इजी या फिर जो पॉपुलर या जैसी जो और चीजें होती है ना, हम उनकी तरफ भागते हैं। अब कई बार सर काम करते हैं तो जो डाउनलाइन होती है वो कहती है कि यार ये फलाना लीडर है उस एक्स कंपनी में काम कर रहा है, अगर ये हम इसने छोड़ दी लेकिन ये हमारे साथ आ जाए ना तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सर हम उस प्रोस्पेक्टिव को बिल्कुल उसकी मीटिंग ही नहीं करते कि भैया जो कहीं का नहीं हो सका ना वो कहीं का हो ही नहीं सकता। तो हम एक वही आप वाली बात है सर, हमें गधों में ना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें घोड़ों को ही और तेज दौड़ाने में ना लगना है। और हमें बस सर बहुत बढ़िया विकास जी, क्योंकि आपने जो प्रूफ कर दिया कि जब आप लगे तो अब आप भिड़ गए हैं और आपका कमिटमेंट का लेवल दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी अचीवमेंट बहुत जल्दी पिछले एक साल में आपने सारे रैंकिंग बदलते चले गए हैं। और पिछला एक साल बहुत ही स्पेशल रहा है क्योंकि अब आपको बिलीव हो गया कि यस त्यांस से अपनी जिंदगी बदलने वाली है। फुल टाइम आप त्यांस कर रहे हैं आज एक बहुत बड़ी नौकरी को छोड़कर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपकी जिंदगी के बहुत बड़े बड़े मुकाम जो है त्यांस से पूरे होने वाले हैं। और आज जब मैं देख रहा हूँ IDNET में भी आप ऑफलाइन होते थे, लेकिन अभी मैं आप देख रहा हूँ कि आप ऑनलाइन रेगुलर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी निशानी है कि आपका जो नेक्स्ट लेवल है लीडरशिप का वो हमारे सामने है। तो बहुत शानदार सर, आपको हम बार बार बुलाते रहेंगे, तो आज आप रैप अप करें अपनी स्पीच को एंड फिर आपको बुलाएंगे। तो लास्ट में सर मैं अपने मैजिकल वर्ड बोलना चाहूंगा सर, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव IDNET सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल ए डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। सुपर अल्टीमेट सर, बहुत बहुत जबरदस्त अल्टीमेट, जिसको बोलते हैं ना सुपर से भी ऊपर। एंड आई फील वेरी प्राउड कि आज अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद में मैं तो हुई हूं, शेखर बोरा जी एज ए सिल्वर लायन, विकास पिलानिया जी एज ए सिल्वर लायन एंड मुकेश शर्मा जी एट एज ए ब्रॉन्ज लायन, और जो कि बहुत जल्दी ये सारे के सारे लीडर, हमारे तीनों लीडर गोल्ड लाइन की दहलीज की तरफ बढ़ रहे हैं, गोल्ड लाइन होने वाले हैं। तो फरीदाबाद में एक बहुत शानदार माहौल आप सभी ने बनाया है, आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड मैं मुझे मालूम है पिछले कल भी हमारी मीटिंग हुई थी, तो बस ये जो हमारी मीटिंग हो रही है इसका ये असर है कि हरियाणा में दिल्ली NCR में हम नेक्स्ट लेवल की आग लगाने जा रहे हैं। तो अगर आपने दिल्ली NCR में आग लगा रखी है ना, तो पूरे देश में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं है। अगली जो आवाज़ है वो अनदर अवर सिल्वर लाइन, जिन्होंने सर्दी में गर्मी का एहसास कराया, और बाकी तो छोड़ दीजिए पेंडेमिक में भी नॉट पेंडेमिक महसूस कराया, और नाम है वनिता राज जी, हमारी हिमाचल प्रदेश की जान, त्यांस IDNET सिस्टम की शान, एंड एक ऐसी लीडर जिन्होंने लगातार अपनी अपीयरेंस दी है ऑन वीडियो एंड पैनल पर। वेलकम 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 वनिता राज जी, स्वागत है आपका, हाउ इज द जोश? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, जोश इज वेरी हाई सर, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सर जोश बहुत ही हाई है हमेशा की तरह, और थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार सेशन, और सर उससे भी ज्यादा जिस तरह से लीडर सर यहाँ पे अपनी शेयरिंग करते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ एनर्जेटिक शेयरिंग, और उनका जो सर त्यांस को लेकर एक्सपीरियंस और उनके व्यूज और जिस तरीके से काम करने का तरीका, ये सारी चीजें, तो सर वो सब चीजें हम फॉलो कर करके करते 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 आज यहाँ पहुंच चुकी हूँ। और जोश सर बहुत हाई हैं, क्योंकि मैं बात करूँ त्यांस को लेकर तो मैं अपनी बात करूँ सर, बिल्कुल जिंदगी चेंज हो चुकी है, और जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, वो सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ तो सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन
और एक वंडरफुल इंडस्ट्री। और सर आप बिग बिग थैंक्स टू यू की इंडस्ट्री में आने के बाद जो आपने गाइड किया, सपोर्ट किया और हमें डेली इतना एजुकेशन दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से आज मैं बहुत शॉर्ट टाइम में सिल्वर लॉयन सर और गोल्ड लॉयन तो सर बहुत जल्द वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा, बट सर अब विजन पहले से इतना क्लियर है और था और रहेगा और हमेशा कि अभी गोल्ड लाइन बनना तो इतना टफ नहीं है, बट अपने को तो बहुत आगे जाना है, इस इंडस्ट्री के टॉप लेवल तक जाना है सर। और अभी टूर के लिए काम कर रहे हैं सर, अगर बात की जाए तो मैक्सिमम लीडर्स के गोवा और दुबई टूर पे फोकस है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को अपने साथ टूर पे ले जाना है और बहुत शानदार वर्क हो रहा है सर, लीडर्स काम कर रहे हैं और फील्ड में इधर उधर टीम के साथ अपने टूर पे फोकस कर रहे हैं। और हिमाचल वालों को तो सर बिल्कुल ध्यान्स को लेकर आग लगी पड़ी है, पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं क्योंकि समझ आ गया है कि इंतजाम पहले से ही करके रखना है, नंबर कभी भी आ सकता है। तो थैंक यू सर। और अभी मैं इंडोनेशिया को लेकर बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं यही कहूंगी कि जब ध्यान्स में आए थे तो अक्सर जब हम न्यू होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं सर, मुझे एक चीज समझ थी क्लियर हो चुका था कि 101% वो सब कुछ मिलेगा हमें इस इंडस्ट्री से, बट हमें लगना होगा, टिकना होगा और लगे रहना टिके रहना और करते रहना, डेली एक्टिविटी करते रहे। वो कहते हैं ना सर, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल तो खुद ब खुद मिल जाएगा जब आप अच्छे कर्म अच्छे काम करोगे और स्ट्रगल करोगे, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो वो सब कुछ पॉसिबल हुआ लगे रहने और टिके रहने से सर। रियली 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 सर मैं आज देखती हूँ कि आज इतना फ्रीडम है, आज तो सिर्फ घूमने के पैसे आ रहे, घूमते रहो और बातें करते रहो, लोगों से मिलते रहो और लोगों को भी रोजगार दे, अच्छा रोजगार दो, हेल्थ दो, वेल्थ दो, और उसके साथ साथ जो हम यहाँ पे खुद शानदार अचीवमेंट और शानदार इनकम ले रहे हैं और आज पूरा हिंदुस्तान हमें जान रहा है, तो मैं कहती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान्स की वजह से और इस इंडस्ट्री की वजह से मिल पा रहा है। थैंक यू सर। और थैंक्स करूंगी मैं योगराज सर का, तह दिल से शुक्रिया सर का कि सर ने जिस तरह से ग्रूम किया, गाइड किया और इतनी पावर और एनर्जी हमेशा ही दी, हमेशा ही हर बात पे कि आप लगे रहो, टिके रहो और करते रहो हमेशा सर, एक एक पल एक एक घड़ी। मैं यही कहती हूँ कि शायद अगर सर का वो गाइडेंस नहीं होता, सर के वो वर्ड्स नहीं होते कि जिस तरह से आप भरोसा था सर को कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वनीता जी आपके अंदर बहुत पावर है, तो रियली सर थैंक यू सो मच। और मैम का भी मैं थैंक्स करूंगी, तनु मैम का, और सर आपका तो बहुत बड़ा थैंक्स। मैं आज देखती हूँ आईडी नेट सिस्टम में सर टीम के लीडर्स को जब मैं देखती हूँ, बात करती हूँ, तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ आईडी नेट सिस्टम में डेली ऑन वीडियो और टीम के साथ यहाँ पे आते हैं, तो आज को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, वो अपने काम को सीख चुके और सीख रहे, उनका विजन इतना क्लियर है कि कुछ भी हो जाए सिर्फ हमें ध्यान्स करना है और अपनी जिंदगी को चेंज करना है। थैंक यू सो मच सर। और हिमाचल टीम रॉक, बहुत ही शानदार लीडर, एक से बढ़कर एक लीडर, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं सर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ लगे हैं, और मैं सभी का ही थैंक्स करूंगी। और सर इसी के साथ साथ मैं अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ क्लोज करूंगी, बेटर ध्यान्स बेटर लाइफ, आई लव ध्यान्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लॉयन एवरीवन, सून गो गोवा, गो दुबई, और इंडोनेशिया तो सर जा ही रहे हैं। और यही कहूंगी सभी लीडर्स को, वेस्ट विशेस, लग जाए और गोवा और दुबई के लिए अभी भी हमारे पास अगर एक महीना बाकी है ना सर, मुझे लगता है कि ये जो एक महीना है ये आपकी जिंदगी में क्या अचीवमेंट ला सकता है, और आपके रैंक और आपका बोनस, आपका जो टूर रहता है फर्स्ट टूर, वो बिग अचीवमेंट होती है आपकी जिंदगी की। तो एक दिन बिल्कुल दिन रात एक कर दीजिए, एक महीना, और आप और हम सब लोग दुबई होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड सीनियर लीडर्स का थैंक्स, वासुदेव सर का, ए के पांचाल सर का, प्रवीणा मैम और योगराज सर का, और सर यहाँ पे शेखर सर का, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और विकास जी है, विकास पिलानिया जी है, हम जिनसे हम फर्स्ट टाइम मिले तो बहुत अच्छा लगा सर, उनका भी थैंक्स। सभी सक्सेसफुल लीडर्स का और टीम का और आईडी नेट सिस्टम के एक एक मेंबर्स का थैंक्स है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं सर एक दूसरे से, जो एनर्जी मिलती है उसमें मजा ही कुछ और है, और जो हिम्मत आती है और जो एक्साइटमेंट बढ़ती है एक दूसरे से मिलने की और बात करने की, और नेक्स्ट डे दूसरा दिन इतना न्यू होता है, इतना ताजा फ्रेश लगता है कि यस अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
अमेजिंग, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार कर रहे हैं हम, नए साल से पहले भी आ सकती है, लीडर्स तैयार हैं। सोचिए आप, बम पटाखे सब फोड़ने के लिए तैयार हो जाइए, मिठाइयाँ खाने के लिए, पार्टी 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 होने वाली है नए साल में। तो ये थी वनीता राज जी, जिन्होंने अपनी मेहनत से और टीम वर्क की भावना से और सिस्टम को फॉलो करने की वजह से आज इतने शानदार तरीके से आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट जो स्पीकर हैं वो है मुकेश सिंह चौहान जी, जिन्होंने रेवाड़ी NCR में अपने नाम की पहचान बनाई, बहुत ज़बरदस्त मेहनत की और अभी सिल्वर और गोल्ड लाइन की तैयारी में मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश सिंह चौहान जी, नया साल आ रहा है, मात्र और मात्र 35 दिन बचे हैं, अगले 35 दिन बाद हम लिखेंगे साल 2023 शुरू। तो बहुत कुछ निकल गया, अब तो बल्ले बल्ले है। हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। जोश इज हाई सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। कहते ना बहुत अच्छा, जबरदस्त, हर चीज बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इस बिजनेस में आके मेरे को तो बस एक ही, जो मेरे को दोबारा एक जीवनदान मिला है, फरीदाबाद सेमिनार्स। मैं फरीदाबाद सेमिनार्स में सर, कहते ना जो मेरे को हर तरह से चारों तरफ से जो सीख मिली, एक ही टारगेट है गोल्ड वाइन। तब तक कहते ना नहीं रुक पाना जब तक गोल्ड वाइन का खिताब नहीं ले लेना, और अपना जो कहते ना जो क्रेज है वो वापिस उठा दोबारा नहीं लेना, यही बस मेन है। फास्ट से फास्ट बनना, फास्ट काम करना, फ्यूचर के दिखाना, और ये सब संभव हो पा रहा है IDNET सिस्टम के द्वारा सर। मैंने फील किया है 100% ये सब संभव जो कुछ हो पा रहा है। अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, 90% जो आज भूमिका है सर कहते ना IDNET सिस्टम्स की, और साथ में सर जो आपकी और मुकेश शर्मा जी की बहुत बड़ी भूमिका। कहते ना शर्मा जी ने जो मैम को कहा और आपने जो कहा, मेरे को बस उसी दिन से मैंने, अब सुबह ये नहीं पता लगता है कि सुबह किस समय जाना होता है, किस समय आना होता है। ऐसे ऐसे लीडर्स, कहते ना दुनिया खाली पड़ी है, लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। और आज हर दिन नई ज्वाइनिंग, हर दिन नए लोगों से मिलना, अब तो केवल केवल बस यही है कैसे दुबई टूर करना है, किस प्रकार से करना है, चैलेंज कितना बड़ा है, कोई खास नहीं है, 100% करना है, ये बस माइंड में पक्की सोच है, ये माइंड में सोच है। और ये संभव आपके द्वारा सर, कितना आपकी गाइडलाइन और आपके कहते ना अनुभव, जो आपका 20 साल का एक्सपीरियंस, वास्तव में सर काबिले तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका 20 साल का एक्सपीरियंस हमें, वो 20 साल के एक्सपीरियंस का कहते ना एक एक दिन एक एक मिनट, मुझे हर मैं पल ये सोचता रहता हूँ किस प्रकार से आपके अनुभव को मार्केट में उतारा जाए, किस प्रकार से आपको मार्केट में फेस किया जाए, किस प्रकार से मैं आप सर ऐसे ऐसे लीडर्स, ऐसे ऐसे अधिकारी जो मिल रहे हैं। एक बार मैंने अभी आपके आप अपने जूम पे भी है, जिस दिन आपने संडे का सेशन लिया था उस दिन 4 लोग नए ज्वाइन पर्सन थे, जिनमें से आज एक ने ज्वाइन कर ली है, बीना के नाम से आज ज्वाइनिंग कर ली है, और एक CDPO के नाम से है, और अभी वो जस्ट प्लेटिनम से ज्वाइनिंग। क्यों, संडे का जो आपका सेशन था, और कहते ना कुछ नहीं किया मैंने, ये बताया कि इसमें जो मुकेश शर्मा जी है ये प्रोफेसर है, और ये पाल सर जी है 20 साल हो गए हैं, बोलो सर वास्तव में 20 साल हुए हैं, हाँ 20 साल हो चुके इनको सर, काम कहते ना काम करने मजा आ रहा है। और जिनका इंडोनेशिया टूर हुआ है, जिनका कहते ना इंडोनेशिया हुआ है, कुछ भी हो रहा है, मेरा बस मेन टारगेट है इस माह लाख प्लस 2 लाख प्लस कहते ना मल्टीप्लाई करना। बस अपने आप को मैंने पहचाना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। एक ही बात बोलूंगा मुकेश जी, जो आपने बात बताई, यहां से एक बात बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि मैं जूम पर 30 दिन तो मैं यहाँ वैसे आता हूँ, ये फिक्स हो गए, और ऑनलाइन एवरेज में बात करूँ तो 2 से 3 मीटिंग का एवरेज मेरी अगर डे की बात करता हूँ तो कम से कम लगभग लगभग 100 मीटिंग तो मैं हर महीने कर रहा हूँ। आप सोचिए एज ए डायरेक्टर, 7 स्टार की मीटिंग, कभी 8 स्टार की मीटिंग, कभी ब्रॉन्ज लाइन की मीटिंग, कभी किसी की मीटिंग, आप सोचिए अगर मैं 100 मीटिंग कर सकता हूँ ऑनलाइन, बाकी ऑफलाइन करता हूँ वो अलग है अनकाउंटेड, तो दोस्तों आपको क्यों नहीं करना चाहिए, आपको तो ज्यादा करना चाहिए, और ज्यादा कर भी रहे हैं तो क्या बुराई है, करना चाहिए, हमने भी किया है।
आज भी कर रहे हैं, मजा आता है, अच्छा लगता है, क्योंकि ये काम नहीं हमारे लिए, हमारे लिए एक तरीके से जिंदगी है, जिंदगी। और जिंदगी के लिए आप कुछ करते नहीं है, जिंदगी तो आपकी है ना, ये आपकी फीलिंग है, चीजों को कैसे ले रखा है आपने। आई लव टियांस, आई लव आई डी नेट नहीं है ना, और उसकी एक ही निशानी है, जैसे अभी कहा है ना विकास जी ने कि आप कितना जोर लगा रहे हो, आप अकेले आ रहे हो क्या होगा, अगर आप अपने चार को लेके नहीं आ रहे हो ना, और उनको मैं दाद देता हूं जो चार नहीं आठ के साथ आ रहे हैं, दस के साथ आ रहे हैं, जो अपनी टीम के बीस लोगों के साथ आ रहे हैं, तीस लोगों के साथ, चालीस लोग, पचास लोग, अगर आप अपनी टीम के साथ आ रहे हैं तो आप फ्लाइंग गियर पे हो। फ्लाइंग गियर होता ना, एक तो ऑटोमेटिक गियर होता है, एक फ्लाइंग गियर भी होता है हवाई जहाज का, समझ गए ना, भले फ्लाइंग गियर तो सुना नहीं था, नहीं सुना था तो इसका मतलब ये थोड़ी कि होता नहीं है, जो आपको नहीं पता वो भी होता है, जो नहीं सुना है वो भी होता है, ना जाने कब पता चलेगा, राइट। तो ये पैनल का मतलब यही है दोस्तों कि आपको आगाह किया जाता है। चौहान साहब बिल्कुल सच बात है, आप याद करिए उन दिनों को जब मैं डायरेक्टर नहीं था तो चौहान साहब मुझे चुल किया करते, चुल समझते हो आप, चुल करना किसी को, चुल, अरे सर डायरेक्टर कब हो रहा है आपका, सर डायरेक्टर कब हो रहा है आपका, है ना। और जब जब ये बोलते थे ना तो मेरे को ऐसा लगता था बहुत मोटी सुली सुई की है ना चुभ हो रहे हैं चौहान साहब, टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को, राइट। और मेरा मन करता था यार ये तो जल्दी बनना पड़ेगा, ये चौहान साहब तो मेरे पीछे पड़ गए हैं अब, ठीक है ना। और जब मैंने इनको गुड न्यूज़ दी ना तो मेरे से भी ज़्यादा खुश चौहान साहब थे, और ऐसा झटका लगा, और वो भी कोरोना काल में। जी सर, जी जी, आप याद करें उस लम्हा को और बताएं थोड़ा सा कुछ उसके बारे में। सर बिल्कुल वो पल मुझे इस तरह याद है सर, बिल्कुल हर कहते हैं वो पल वो क्षण ऐसा याद है जिस समय आप डायरेक्टर बने, और सर मैं उसी को मैं देख रहा हूँ सर, कहते ना आपने फरीदाबाद में तो जगा दिया ना, वास्तव में मैं अपने आप को भूल गया था, मैं मेरे को दूसरा जीवन दान मिला ना वो आपने और मुकेश शर्मा ने, जिन्हें मैम के पास आके बैठ के कहा, और आपने मैम को स्टेज पे कहा, मैम ने कहा एक ही बात कही, मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे गोल्ड लॉइन। हमने चाबी आपको नहीं भरी, आपकी बारी, हमने चाबी जो है ना गृह मंत्रालय पे दे दी, जो भी चाबी है आप गृह मंत्रालय संभालेगा, है ना, सुपर। मैंने एक बात सोच रखी है कि गोल्ड लॉइन हट कितनी फास्ट निकालना है, क्योंकि मुझे पता मैं निकाल सकता हूँ सर। ये आपका कहते ना, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और शर्मा जी का, जितना शुक्रिया किया जाए, मुझे नहीं पता अब मैं कैसे चेंज हुआ हूँ, क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता, इतना पता है फरीदाबाद सेमिनार मेरा को जीवन दान मिला है, और मैं इसी के लिए थैंक यू करता हूँ सर। सुपर, हर वक्त याद करता हूँ आपको और शर्मा जी को 24 आवर्स की, काश मैं पहले थोड़ा और जग गया होता, नहीं जगा, बहुत जगा है लेकिन नहीं जगा, आपने जगा दिया, और अब मैंने यही कर दिया, तो चल रहे हैं, तो चलना चाहते हो चलेंगे, नहीं चलना चाहता कोई फायदा नहीं उनको कहने का, मैं बोलता ही नहीं हूं कि तुम चलो, चलना है तो चलो, नहीं चलना तो मत चलो, तुम्हारी मर्जी, चौहान रुकने वाला नहीं है, चौहान तूफान बन चुका है। और सर ये सब आप ही का आगाज है, आप ही की देन है शर्मा जी, और आपकी देन है, और मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत जल्दी ही ऐसी न्यूज दे रहा हूँ जो वास्तव में रोंगटे खड़ा कर देगी। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका आशीर्वाद और मुकेश शर्मा जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और योगराज जी कृपा बनी रहे, बस यही हमेशा मैं चाहता रहूंगा। सभी सक्सेसफुल लीडर्स जो इस पैनल पे हैं, जितने भी हैं, उनका एक ही काम है, मैंने देखा है, मैं पहले ऑन वीडियो नहीं आता था, मैं ऑफ रहता था, चाहे मैं काम पे था कहीं जाता था, उसके बाद देखा कितना भी अर्जेंट काम है ऑन वीडियो बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। वो जितने भी लीडर्स हैं वास्तव में चीज जीवन के अंदर ठान लेना, ऑन वीडियो कुछ भी कर रहे हो ऑन वीडियो बहुत जरूरी है, जो ऑन वीडियो नहीं है तो याद रखना पीछे से पीछे रहते जाओगे, और बाद में कहोगे हमने त्यांसी की थी, खुद में कमी नहीं देखोगे, मैंने खुद में कमी देखी, और कहते ना जो जिन्होंने मेरे अंदर कमी नहीं मेरे को जगाया, मैं तो सर बच्चे भी दोनों बच्चे मैम अब इतना खुश है बस पूछो मत, बीच में थोड़ा माहौल
माहौल थोड़ा सा खराब हो गया था, आप स्टक हो गए थे, या बोलते ना लोग थोड़े से उसमें आए थे कि चलो अब तो हम लीडर बन गए हैं, ब्रॉन्ज लाइन बन गए, इसका मतलब लीडर बन गए, रॉयल्टी भी आ रही है, टूर भी हो रहे हैं, सब बल्ले बल्ले चल रही है। ठीक है पाल जी, ज्यादा तंग मत करो, शुक्र मना लो इतना हम कर रहे हैं। तो पाल जी बोलते बहुत बहुत धन्यवाद एहसान के लिए, बस ऐसा एहसान और कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर, बस हम ज्यादा तंग करते ही नहीं है, जब हम पता लगता है तंग करने से कुछ होने वाला नहीं है, वो अलग बात है, आदत से हम भी मजबूर हैं, जिस दिन मौका मिलता है उस दिन हम भी चौका मार देते हैं, राइट। चलो सर बहुत बढ़िया, पता लग गया पूरे गृह मंत्रालय ने हमारी जो कहते हैं ना जिम्मेवारी संभाल रखी है, बस सबके गृह मंत्रालय ऐसी चाबी भरे मजा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बेटर टाइम्स बेटर लाइफ, आई लव टाइम्स, आई लव आईडिया सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर डायमंड्स, गो गो लसुन एवरीवन, चलो दुबई, चलो दुबई 100%, चलो दुबई। थैंक यू सर। तो आपने सुना ये हमारे दाड़ने वाले लीडर हैं, फायरिंग लीडर, ये जो है तीसरी और चौथी लाइन में भी अब इन्होंने ड्रिलिंग जबरदस्त करनी शुरू कर दी है, तो स्पीड बढ़ानी जरूरी है दोस्तों, तभी हवाई जहाज टेक ऑफ करेगा। और जो अगले जो हमारे स्पीकर हैं वो हैं जी हमारे बानी सिंह जी। बानी सिंह जी, आपने और पिछले कल सुशील जी ने जबरदस्त फीलिंग शेयर की थी, और हम चाहेंगे कि शॉर्ट मैसेज आप भी दें आज। हाउ इज द जोश, आप दोनों एज ए कपल जा रहे हैं इंडोनेशिया, और ये इतिहास लिखा जा चुका है हरियाणा में, बहादुरगढ़ में, और हम सब लोग बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं सर आपकी इस मेहनत पर, आपकी इस कोशिश पर, और जिस जज्बे के साथ आप खुद भी काम कर रहे हैं और आपकी टीम भी काम कर रही है, और पैनल में आपकी टीम के बहुत सारे लीडर इस टाइम बैठे होते हैं, बहुत बढ़िया जबरदस्त सर, प्राउड ऑफ यू, वेलकम। नमस्कार सर जी, जोशी जाई, और सर जी बड़ा मजा आ रहा है, अभी हमारे जो टूर चला हुआ है इंडोनेशिया जाएंगे और दुबई का टूर भी लोग करवाएंगे, अभी जैसे हमारे को यहाँ से जो फीलिंग आ रही है, जैसे जवानी में फीलिंग आई थी वो जवानी की फीलिंग अभी आ रही है, अभी हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई है त्यांस के अंदर, जैसे ही हम इसके अंदर घुसे हैं तो ये लगा लो दिल और जान से लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे को आपने इतना काबिल समझा, जो यहाँ पे आई डी नेट के अंदर कोर लीडर में शामिल किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, और जितने भी लीडर यहाँ पे जुड़े हुए हैं वे अपने आप में बहुत ही ग्रेट हैं। और फीलिंग ऐसी है जी, इंडोनेशिया में हम तो पहुंच चुके हैं, अभी दुबई में लोगों को पहुंचाना है, और जितने भी लोग वहां पे जाएंगे वह अपने आप में ही एक चिराग बनेंगे, और एक चिराग जलता हुआ चिराग बुझे हुए चिराग को जला सकता है, और आपने ये काम किया है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने आई डी नेट सिस्टम बनाया, और इस आई डी नेट सिस्टम के अंदर जितने भी लोग आएंगे वो तबके सोना हो जाएंगे, और सोना जो जितना भी तपता है वो निखर जाता है, यहाँ पे आपका काम है निखारने का, और हम निखरते जा रहे हैं और सुनते जा रहे हैं, हमारा काम है सुनना और लोगों की सुनना, सुनना और सुनाना, अगर हम किसी को सुनाने पे आए वह इतना ही सुनाना है जितना वो सुन सके, अगर हम ज्यादा सुनाते हैं तो उसमें भी लोग गलत वे में बात को ले जाते हैं। अभी जैसे बात करते हैं गाला डिनर की, गाला डिनर मैं लगभग 5 साल पहले ले चुका हूँ, और वो फीलिंग अलग से ही होती है, अगर हम गाला डिनर लेते हैं तो एक राजा महाराजा को जो खाना मिलता है, और वो भी लीजोन सर के साथ में, अपने आप में बहुत ही ग्रेट है, बट हम तो नहीं ले पाएंगे, बट इसमें जो सिल्वर लाइन है वे या गोल्ड लाइन है, गाला डिनर ले पाएंगे लीजोन सर के साथ में, यानी कि दादाजी के साथ में बैठ के वे खाना लेंगे, उनकी फीलिंग कैसी होगी, बट हम उनका दूर से दीदार तो कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दीदार भी कर सकते हैं सर, और ये आपके लिए एक चैलेंज है कि अगला साल ऐसे नहीं होने देंगे, अगले साल तो गाला डिनर में होंगे, और वो भी गोल्ड लाइन बन के होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके बारे में, आप अगले साल एज ए गोल्ड लाइन जाने वाले हैं, आप और सुशील चिकारा जी एज ए गोल्ड लाइन नॉट एज ए सिल्वर लाइन जाने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है आपकी मेहनत को देखते हुए, आपके जज्बे को देखते हुए, कि तीसरी और चौथी लाइन में जान लगा देंगे, लेकिन अगले प्रोग्राम में एज ए गोल्ड लाइन जाएंगे सर। यस सर, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मॉनिटर डॉक्टर ए पांचाल जी, जिन्होंने हमारे को इस रास्ते पे लेके आए, और जब मैं यहाँ पे आया, आने से पहले 1.5 साल तक मेरे को समझ में नहीं आया ये काम करना है या नहीं करना है, आज
ये काम हम इतने लगन से कर रहे हैं। जैसे एक रायता होता है, रायते के अंदर जो बूंदी डालो कुछ भी डालो रायता तो रायता होता है, हम तो वो रायता बन चुके हैं। यहाँ पे आके आईडी नेट के अंदर बिल्कुल ऐसे रम चुके हैं जैसे एक रायता, और रायते के हम अलग नहीं कर सकते, उसकी इसी तरह है, हम कभी अलग नहीं हो सकते। और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जबरदस्त है, जैसे सबसे पहले हम कहीं भी काम करते हैं उसका वहाँ पे ट्रेनिंग पार्ट्स होता है, जैसे हम मिलिट्री में लगते हैं वहाँ भी ट्रेनिंग होती है, किसी भी काम की ट्रेनिंग होती है, तब हम उस काम में अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बताया 21 दिन की अगर हमारी हैबिट होती है, अगर लगातार 21 दिन किसी काम को करते हैं तो हम उस चीज को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और हमारी हैबिट बन जाती है। और मेरा तो ये मानना है जितने भी लोग हैं वे लगातार आईडी नेट सिस्टम के अंदर आए और 6 महीने तक आप पीछे मुड़कर ना देखें। अगर 6 महीने आपने ये चीज को देख लिया समझ लिया, कसम से आप ऐसे हीरे बनोगे, कभी भी आप फेल नहीं हो सकते। और मैं बात करूं अपनी फीलिंग ऐसी आती है, अगर जैसे हम कोई भी काम करते हैं हम उस चीज को समझ जाते हैं, वहां पे हम पहले पहुंच जाते हैं। पहले आप चीज को समझिए, अगर आप वहां पे पहुंच गए, अब जैसे दुबई का टूर चला हुआ है, आप चीज को फील कीजिए अगर आप दुबई में बैठे हुए हो, अगर ऐसा फील करोगे तो आपका 100% टूर क्लियर होगा। अगर हम इस चीज को फील करेंगे तो कसम से हम सभी का टूर क्लियर होगा। बात करते हैं यहाँ पे जितने भी अपने लीडर हैं, कोर मीटिंग में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लीडर हैं सबका धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करूंगा मेरी वाइफ सुशील चिकारा और मेरे परिवार का। और मैं बात करता हूँ अपने बच्चों की, मेरे बच्चे बोलते हैं पापा और मम्मी हम तो बिजनेस करेंगे, यही पढ़ना तो बस एक बहाना है, पढ़ेंगे बस, हमने काम करना है इतिहास का। और मैं बोलता हूँ बेटा आपको सिर्फ इतिहास ही करना है, पैसे गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ेगी, 2-4 लोग रखने पड़ेंगे, पैसा इतना है वह पूछो ना, पैसा पैसा नहीं सर जी, यहाँ पे दौलत है और वो दौलत हम मिलके कमाएंगे और आने वाली जो जनरेशन है उसको हम खुशहाल और अपनी जिंदगी को आबाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बोलने को बहुत कुछ है, बोल सकते हैं बट मैं सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं लास्ट में अपने मैजिक वर्ड बोलूंगा, बेटर ट्यांस बेटर लाइफ, I love Tians, I love IDN system, I am a diamond, we are all diamond, go God line soon, chalo Dubai, milte hain Indonesia, bye bye sir. Wonderful sir, wonderful, zabardast, rocking, firing leader, excitement, josh ke saath, andaaz, super. Bahut bahut shubhkamnaye, go God line sir, with your team. Jaise maine kaha dosto, aaj ki special session ke andar, ki log आपको पसंद करते हैं, आपकी बातों को पसंद करते हैं और जुड़ जाते हैं। जुड़ना आसान ऐसे है, अगर आप लाइकेबल हैं, आपका नेचर लाइकेबल है, आपका एटीट्यूड लाइकेबल है, आपके आपने जो सीखा यहाँ से अपने सीनियर से अच्छी अच्छी बातें कि जल्दी आप अट्रैक्ट करते हैं और लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन लोग टिकते नहीं हैं, लोग टिकते कब हैं दोस्तों, जब वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप समझिए, आप किसी को पसंद करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि उससे प्यार हो जाएगा, शादी उसी से करेंगे जिससे प्यार होगा। पसंद वाली हर पसंद करने वाले को हम शादी थोड़ी करते हैं, है ना, तो सेम चीज है। कभी कभी पसंद में दोस्ती हो जाती है, ज्वाइनिंग आ जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए आपके साथ तब लोग काम करना चाहते हैं जब लोगों को लगता है मुझे भी ऐसे बनना है, मुझे भी वनिता राज जैसा बनना है, मुझे भी योगराज जी की तरह बनना है ना। जब इस तरह की भावना ही आती है ना यहाँ पे, मुझे वासुदेव सर की तरह बनना है, तो फिर देखिए आप चैलेंज। तो एज ए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको ऐसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप में एक पैकिंग है, पैकेज है, स्टोरी या ब्रांड है आपकी। आप सोचिए आप ब्रांडेड प्रोडक्ट लाए, आप एप्पल का फोन लेना, आप एप्पल के फोन की पैकिंग देखना, आप मैं बोलता हूँ 1000 रुपये का तो डब्बा ही होगा उसका, इतना शानदार डब्बा होता है, क्या जरूरत है भाई लेना तो एप्पल ही है। और तो छोड़ दीजिए, आप चौराहे पे आजकल तो आपने देखा होगा ना ये अल्कोहल के शराब के भी ठेके खुल गए हैं, और वो भी बड़े बड़े ऐसे खुल गए जैसे शोरूम नहीं है, शोरूम बना दिए। आप एयरपोर्ट पे आना, एयरपोर्ट से जब आते हो ना आप या जाते हो, वहां देखना कितनी बड़ी बड़ी ड्यूटी फ्री शॉप है, वहां पे जब शराब की बोतल देखते हैं ना आप, क्या महंगे महंगे पैकिंग, शराब तो वही है लेकिन उसके बॉक्स, उसके पैकिंग सुपर। वाई?
भाई अंदर माल में दम है तो उसका अगर प्रेजेंटेशन दमदार होगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी क्वालिटी है, आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में बड़ा, और आपको ये पता है कि लोगों के बिना नहीं होने वाला, लोग तो चाहिए ही चाहिए, टीम तो चाहिए ही चाहिए, तो पहले आपको वैसा प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने आप को जब आपकी टीम आपके साथ खड़ी मिलेगी। नहीं तो क्या होगा, आज कोई और, कल कोई और, परसों कोई और, बुढ़ापे में कौन, कोई नहीं। क्यों, अभी दौड़ है, जवानी है, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो आपका हो रहा है, टूर भी हो रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, आप ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बन जाओ, जो मर्जी बन जाए, लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, यू नीड डुप्लीकेट लीडर, तो अपने साथ में डुप्लीकेट पैदा कीजिए, और जो लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं उनके साथ जान लगा दीजिए, क्योंकि उनको स्ट्रांग करने का मतलब है आपकी जड़ें और मजबूत होने वाली है। तो आज के लिए यहीं पर हम प्रोग्राम को विराम देंगे, और जिसे मैं देख रहा हूँ पैनल में बहुत सारे सीनियर लीडर हैं इस टाइम, तो स्पेशली थैंक यू करना चाहेंगे सभी को नाम लेके ही, जैसे हीरा सिंह जी को देख रहा हूँ मैं, प्रेम लोचाप जी है ना, और करम सिंह जी, मुकेश शर्मा जी, साक्षी सिंह जी, और हमारे अर्चना जी एंड वासुदेव गौर सर, नैना रखोलिया जी, एंड मैं इसके अलावा देख रहा हूँ कुलदीप जी हैं हमारे बीच में, और मीनाक्षी जी, और इसके अलावा देख रहा हूँ मैं कुलदीप जी और करम सिंह जी, कविता जी हो गए, एंड कल्पना जी, इसके अलावा सरिता जी महेंद्रगढ़ से, राहुल जी सेवन स्टार, एस जलीम जी, उमा यादव जी, सुशीला मित्तल जी, संजय मितावा जी, तनुराज जी, गीता सिंह जी, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ हमारे सीनियर लीडर में हिमानी गौरी जी, कविता कोहली जी, एंड चंद्र गौर जी, सुशील चिकारा जी, मोनिका जी, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ हमारे डॉक्टर रमेश कुमार पंचाल जी, शीतल गांधी जी, और मैं जरूर चाहूंगा एक शॉर्ट मैसेज डॉक्टर साहब के लूंगा, उससे पहले आप सबका नाम जरूर ले लूं मैं। ये हैं हमारे बीच में सुनीता श्रुति श्री जी, एंड अनदर नैना जी हैं, एंड डॉक्टर अब्दुल करीम जी नजर आ रहे हैं मुझे। तो आप सभी लीडर जो अभी वीडियो में हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, और जाते जाते एक छोटी सी मैसेज हम हमारे ग्रेट गोल्ड लाइन लीडर डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल जी के माध्यम से लेंगे। जी डॉक्टर साहब, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद पॉल साहब, आपका वेरी वेरी थैंक यू मच, और जितने भी लिसनर हैं सबका पैनल में बैठे हुए मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से। आज का सेशन बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, सुपर, एक से एक शेयरिंग जबरदस्त। मैंने आज भी कह रहा था, कई लीडरों से मेरी बात हुई कि जो लोग, मैं पिछले 6 महीने से नोट कर रहा हूँ, पैनल के अंदर आ रहे हैं और वो अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त सुपर हाई हो गया। और रियल में ये तो सच्चाई है कि जो हमारा सिस्टम है वास्तव में ये पूरे विश्व के अंदर धूम मचाएगा, ऐसी मिसाल खड़ी करेगा जैसे इंडोनेशिया में हम लोग देख रहे हैं। आज इंडोनेशिया का नाम दूर से ही लिया जाता है कि उसमें इतने बड़े बड़े अचीवर, इतने बड़े बड़े उन्होंने काम किए हैं कि आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। और बिल्कुल सेम टू सेम आज हमारे पास भी इसी तरह का सिस्टम है जो आईने सिस्टम है। रियली मैं सलूट करता हूँ, और इसमें जितने भी लोगों ने भागीदार रहे हैं, जिन्होंने कह सकते हैं कि कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया है, ऑब्वियसली उनका नाम हमेशा रहेगा। ये तो हम लोगों के लिए बड़े प्राउड की बात है कि आज हम ऐसे सिस्टम के एक कह सकते अभिन्न अंग बन चुके हैं, और रियली जो हमने टारगेट्स लिए हैं उन टारगेट्स को भी हम लोग 100% पूरा करेंगे। जैसे कि हमने टारगेट दिया था 100 सिटी 100 गोल्ड लाइन, तो इसी तरह से ये सारे टारगेट हम लोगों को पूरे करने हैं। इसके लिए हम दिन रात प्रयत्नशील है, लगे हुए हैं। अभी मैं भी मेरठ पहुंचा हूँ, कल हमारा यहाँ पर मीटिंग है, सेमिनार है, और उसके बाद में
फिर हमारे बहुत सारे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों का सेटअप हुआ है, तो रियली ऑब्वियसली बड़ा मजा आने वाला है। जबरदस्त तरीके की आज हम लोगों की प्लानिंग है। कहते ना कि आईडी सिस्टम का एक एक शेर ऐसा होगा कि जो दिल की जबानी से बोलेगा वो पूरा करके दिखाएगा। और वास्तव में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों के पास है अभी तक ध्यानश के अंदर किसी के पास नहीं है, तो रियली मजा आने वाला है। और मैं एक एक लीडर को बड़े ध्यान से सुन रहा था और जबरदस्ती से हम लोग फील कर रहे थे, क्योंकि जितने भी आईडी सिस्टम में आज बैठे हुए लोग हैं वो सारे के सारे हमारे परिवार का हिस्सा है। हम लोगों ने ऐसा बिल्कुल करके दिखाना है कि जिस तरह से जो डायमंड है वो दूर से चमकता है, तो रियली हमें वैसा बनना है और हम लोग तैयार हैं। तो मैं इंटायर टीम को भी धन्यवाद कहता हूँ, और रियल में जो सोच लिया वो पूरा करना है, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कर और कहां भूल हो गई उसको देखो उसमें सुधार कर। जब तक न सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो, और दोस्तों संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और दिल से जो कोशिश करते हैं दोस्तों उनकी कभी भी हार नहीं होती। रियल में एक इंसान के पास आज के टाइम में सीखने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो यही है कि वो दूसरों की गलतियों से भी सीखेगा, अपनी गलतियों से भी सीखेगा, और उस गलती को जीवन में कभी भी नहीं दोहराएगा। आज मेरे साथ भी एक मैडम थी, तो उन्होंने कभी मुझे आज से 8-9 महीने पहले एक बात के लिए टोका था कि मैंने उनको तू बोल दिया था। मैंने तो बच्चा समझ के बोला था, लेकिन उन्होंने मुझे नोट कराया और मैंने उसको बात को हमेशा फील किया, महसूस किया कि रियल में मैं कभी भी उनको तू शब्द यूज नहीं करूँगा। और आज वो उसके लिए मेरे को बड़ा प्राउड फील कर रही थी कि सर वो जो है ना आपने बोला था आज तक अब दोबारा से गलती नहीं करी है। मगर मैडम जी यही तो हम सीखते हैं आईडी सिस्टम में आके, हम लोग यही सीखते हैं कि सामने वाले को कौन से शब्द अच्छे लग रहे हैं, कौन से बुरे लग रहे हैं, हमें वो जो बुरे शब्द है जीवन में कभी वापिस में नहीं लाना है। तो रियल में हमें वही बोलना है जो सामने वाले को पसंद हो। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा बेटर ध्यान बेटर लाइफ। आई लव ध्यान, आई लव एंडस्ट्रम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। और दोस्तों गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। और दोस्तों हम लोग मिलेंगे इंडोनेशिया और फिर मिलेंगे दुबई। रियली थैंक यू, सलूट सर, धन्यवाद। अल्टीमेट सर आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से आप डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंचे और जल्दी से जल्दी बहुत सारे लीडरों को लेकर आप गोल्ड लाइन की फोर्स पैदा करें। और जैसे आपने कहा लास्ट में बहुत ही शानदार बात कही, और मैं इस पैनल में अक्सर कहता ही हूँ, और अभी मैंने कहा रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, लव, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, अगर ये आपके पास है आप में मैजिक है, मैग्नेट। यकीन करना अल्ले पल्ले कुछ है नहीं, घमंड नाम की चीज पाल के बैठे हुए, मैं क्यों करूं, और ऐसे खत्म, आया राम गया राम, टाटा बाय बाय। दोस्तों अगर आप सर वर्ड यूज करें, मैं जब ट्रेनिंग देता हूं कुछ पर्सनल लेवल पे भी कुछ लोगों को, तो मैं वहां पे ये बात सिखाता हूं कि मैंने जिंदगी में टर्निंग पॉइंट है, मैंने जब सर बोलना शुरू किया, मुझे पता भी नहीं था कि लोगों को सर बोलना चाहिए। हमें तो आता था जी जी, हाँ जी, ना जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी आता था, हाँ जी, हाँ जी अच्छी बात है, हाँ जी करते हैं हम लोग। लेकिन अगर आपने यस सर बोल दिया ना, जिसको जिंदगी में किसी ने सर तो छोड़ दो, सोचा भी ना हो कि मेरे को कोई सर बोलेगा, और आपने ऐसे को सर बोल दिया, और जिसको पता है जिंदगी में कोई मेरे को मैडम नहीं बोलने वाला, मैं काहे की मैडम, और लोग मैडम बोलना शुरू करते हैं, यकीन करना खुशी अलग लेवल पे होती है, फीलिंग आती है, आज किसी ने मुझे सर कहा या मैडम कहा। तो आपके पास जादू है, आपके शब्द ही आपके जादू हैं, आप बहुत बड़े जादूगर हैं अगर आपको शब्द को प्रयोग में लाना आता है। तो मैंने अपने बच्चों को
एक शॉर्ट वीडियो थी जो होती है, आपने देखा है कि 1.5 मिनट की होती है शॉर्ट वीडियो, वो मैंने भेजी एक बहुत बड़े एक्टर की, बहुत बड़े सुपरस्टार की, जिसमें उसने ये बात बोली कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे खाना खाना है, कैसे लोगों के साथ मिलना है, कैसे लोगों से हाथ मिलाना है। अगर आपने ये नहीं सीखा और आप इस घमंड में हो, अरे मुझे क्या करना है इन चीजों का, मुझे तो पापा का बिजनेस करना है, मेरे पापा का, मेरे बाप का तो बहुत बड़ा बिजनेस है। उन्होंने कहा सब धरा का धरा रह जाएगा ये, अगर आपके अंदर एटिकेट्स नहीं है तो आप कभी भी बड़ा इंसान नहीं बन सकते हो। एक्सेप्शनल अगर आपको रिजल्ट पैदा करने हैं जिंदगी में, कुछ बड़ा करना है, यू हैव टू बिहेव, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव विद योर सीनियर, योर जूनियर एंड एवरीवन हूसोएवर। अच्छा, मैंने क्यों डाला ये वाली बात, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छे वेल बिहेव चिल्ड्रन है, बट स्टिल आई नो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो किसी और को बोलने से उसका और जोर पड़ेगा दिमाग में। अच्छा, मतलब करना ही करना है, करना ही करना है, ये स्पिरिट आनी चाहिए बच्चों में। इसलिए आपको खुद को कल्टीवेट करना, मुझे खुद को कल्टीवेट करना, मुझे अपने बच्चों को कल्टीवेट करना, मुझे अपनी टीम को कल्टीवेट करना, दैट इज माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स योर ऑल्सो। तो इसलिए आप सर लगाइए ना, आप अपने सीनियर को सर लगाइए, क्या दिक्कत है, आपकी उम्र से छोटी है साक्षी, साक्षी की जूनियर मान लो 50 साल की है, 40 साल की है, 30 साल की है, साक्षी मैडम बोल दिया, शेखर सर बोल दिया, क्या घिस जाएगा, छोटे हो जाएंगे, कितने छोटे हो जाएंगे, छोटे नहीं होंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने सर बोला ना या आपने मैडम बोल दिया, आपकी टीम में कोई 70 साल का भी होगा ना, वो भी मैडम और सर बोलाएगा, उसको समझाना नहीं पड़ेगा कि शेखर को सर बोलो, साक्षी को मैडम बोलो, इतनी छोटी उम्र के लोगों को। मैं आपको बताता हूं, एक बहुत बड़ा मतलब कोई कंपनी है, उसका बॉस है, अनफॉर्चुनेटली कुछ बात हो जाए और अचानक उस गद्दी पर उनका बच्चा बैठ जाए 10-15 साल का, 20 साल का, और एक एम्प्लॉई है 50 साल का, 60 साल का, क्या बोलेगा वो, सर बोलेगा कि नहीं, नमस्ते साहब करेगा कि नहीं, नौकरी करनी है इसलिए, भाई नौकरी करनी है तो साहब भी करेंगे, नमस्ते भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन खुद के मालिक हैं नहीं करेंगे। दोस्तों मालिक करते हैं, हो सकता है जॉब वाला तो ये बोले भाई साहब नमस्ते करने के थोड़े पैसे मिलते हैं मेरे को, मैं काहे बात के लिए नमस्ते करूं, वो कर सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है, सर मैडम लगाना लाजमी है। जी लगाते हो आप, पाल जी चलेगा, लेकिन पाल सर बोलने का मतलब है उड़ेगा, दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा, आपने फ्लाइंग गियर में डाल दिया। पाल जी का मतलब है जमीन में गाड़ी चल रही है, पाल सर बोलने का मतलब है आसमान में गाड़ी उड़ रही है। उड़ाने में मजा आएगा या चलाने में मजा आएगा, रेंगने में मजा आएगा, आप खुद सोचना। आपको एक एक शब्द पता होना चाहिए, जब मैं शब्द यूज करता हूं किसी के लिए कैसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द अगर आपको कोई यूज कर रहा है कैसा लगता है। कहते नहीं है जब मैं किसी को बुलाता हूं ना इस पैनल में, बुलाने से पहले उसके बोलने से पहले 440 वोल्ट का करंट जा चुका होता है, जो खुशी महसूस होती है, जिस तरह की एडिफिकेशन, इसको बोलते हैं एडिफिकेशन हमारी लैंग्वेज में, है ना, तारीफ, एप्रिशिएशन, एडिफिकेशन हिंदी में बोलते हैं, महिमा मंडल, महिमा स्तुति, भगवान की स्तुति करते हैं ना हम। तो जिंदगी में दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा था ना, ये भावनाओं का खेल है, यह भावनाएं काम करती है, आपका ज्ञान गया, क्या बोलूं अब मैं, है ना, भावनाएं से काम नहीं चलने वाला है, ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है, भावनाएं बड़ी पावरफुल है। आप कुछ मत बोलो, जाके किसी के पांव टच कर लो, काम हो गया, खूब ज्ञान बांट दो, और बाई चांस पता चला वो नहीं किया, सामने वाले ने बोला चल चल चल, क्या कर लोगे, ये है दुनिया। तो समझना है कहां पर कौन सा तरीका अपनाना है, और एक ऐसी हैबिट बनाइए कि यकीन करना
हमें मैग्नेट बनना है, आई एम अ डायमंड, वी आर डायमंड, ये बोलने से खाली काम नहीं चलेगा, तराशना पड़ेगा जो कमियां हैं और वो खूबियां हैं ना, वो चमकेंगी अपने आप जब हम अपने अंदर वो चीजें डालेंगे। आज के लिए इतना ही, जबरदस्त मैजिकल मंत्राज के साथ विदाई, और कल शाम को 8:45 पर अगर आप टाइम से आएंगे बहुत कुछ पाएंगे, और लेट आएंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत ही स्वागत है, क्योंकि हमने एक ही चीज सीख ली, अब स्वागत ही स्वागत करना है, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, लीजिए अपने जादुई शक्तियों को बिखेरते हैं मिलकर। Bye bye sir.